जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है, देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले इसकी शुभकामना करते हैं। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है, देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले इसकी शुभकामना करते हैं। सर, ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर, राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर, अभी आपने मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा, तो वो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं, मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।